आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ किस्म की सैलरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी आती है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में कोई जो होता है अलाउंस शामिल नहीं होता, सही है, विदाउट अलाउंसेज होती है, इसको हम बेसिक सैलरी कहते हैं। बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, इसके बाद ग्रॉस सैलरी आती है। जब बेसिक सैलरी में आपकी अलाउंसेज शामिल हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो फिर ये आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है, सही है। मसलन बेसिक सैलरी आपकी 10,000 रुपये थी, मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी 1,000, कन्वेंस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी 2,000, टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी? आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 13,000। लेकिन ये सैलरी भी आपको पे नहीं होगी। पे आपको कौन सी होती है? नेट सैलरी आपको पे होती है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस होती हैं। ग्रॉस सैलरी से माइनस जब डिडक्शन हो जाती हैं, तो फिर आपकी ये नेट सैलरी बनती है और यही आपको पे होती है। मसलन ग्रॉस सैलरी आपकी 13,000 थी, हमने कैलकुलेट की, इसमें से टैक्स कट गया 2,000 रुपये, प्रोविडेंट फंड आपका इज अ काइंड ऑफ पेंशन की कंट्रीब्यूशन आपकी कट गई, आपने कुछ छुट्टियां की हैं या फाइन हुए आपको, उसके पैसे कट गए, सही, तो 5,000 रुपये आपसे कट गए, ठीक है। 13,000 में 5,000 आपने लेस कर दिया, तो 8,000 रुपये आपकी नेट सैलरी है और ये सैलरी आपको पे होगी, सही। तो ये थे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सैलरी। थैंक यू वेरी मच।